4 अवेकनिंग नहीं अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आज हम देखेंगे एंजल गाइडेंस में कि क्या हमारे लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये रीडिंग जो होती है वो टाइमलेस होती है और गाइडेंस के लिए होती है। आप इसे किसी भी समय कभी भी देख सकते हैं। ये आपको गाइड करेगी और आप इसे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं इस गाइडेंस को अपना करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एंजल हमसे क्या कहना चाहती हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज आकाशा। योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। आपको कहीं से भी कोई गाइडेंस मिलती है दोस्तों, तो उसे आप डिवाइन का ही गाइडेंस समझिए, क्योंकि आपको जो भी गाइडेंस मिलती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, या किसी भी व्यक्ति से मिलती हो, चाहे वो ज्ञानी हो या कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, अगर वो आपको गाइड कर रही है, कोई फतेह की बात बोल रहा है, तो वो आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस हो सकती है। आप अपने लाइफ में उस गाइडेंस को अपना करके आगे बढ़ सकते हो, चाहे अपने करियर में हो, चाहे लाइफ के कोई डिसीजंस हो, या कार्मिक साइकिल से निकल करके एक स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप इंटर कर रहे हो, उसमें अगर आपको गाइडेंस की जरूरत चाहिए तो आप ले सकते हो, उस गाइडेंस को अपना सकते हो। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, एक आकाश तत्व, हो सकता है कि आप एयर साइन के कोई मेंबर हो सकते हो, या एयर साइन के मेंबर्स का वर्चस्व आपके जीवन पे काफ़ी बना हुआ होगा, या ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एयर साइन के हो सकते हैं, यानी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपने बहुत दुख झेले हैं और अब उस दुख से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो ये आपको बताया जा रहा है। तो जो भी गाइडेंस आपको मिलती है, उस पर विचार करें, विमर्श करें और उसको सुन करके आगे बढ़ें या बढ़ने की कोशिश करें। या फिर मुझे लगता है कि जल्दी ही आप अपने किसी बैड साइकिल से निकल के गुड साइकिल में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस है। वॉरियर वुमेन, नेक्स्ट कार्ड है आपका वॉरियर वुमेन का। हैव यू एंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। आपके मन में जो कुछ भी सवाल चल रहा है, तो उस सवालों के जवाब आपके भीतर ही है, आपके अंदर ही उसका जवाब आपको मिलेगा। आपसे एंजल ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई भी विचार हो, अगर आपके मन में उठते हैं तो उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट गाइडेंस देखने के लिए कि क्या है हमारे लिए। डांस विद लाइफ। लाइफ में बहुत सारे साइकिल चलते हैं, तो आपको उस साइकिल के साथ आपको एक तरह का सामंजस्य बना के चलना होगा। डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, कुछ करना होगा। बिना करे तो मुंह में खाना भी नहीं जाता दोस्तों, बिना हाथ उठाए, बिना रोटी का टुकड़ा तोड़े हुए, उसे हाँ मुंह में तक ले जाए हुए, आपके मुंह में खाना तक, खाने का एक निवाला तक नहीं जाता। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने आप को, अगर आपको राइज करना है, आपको अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, तो आपको अपने लिए वो चीज़ें करनी होगी, उस ओर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए हुए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, तो मेहनत करें, खूब मेहनत करें। एक और कार्ड देखते हैं कि और क्या है हमारे लिए गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। वाओ, यस, अगर आपके मन में कोई सवाल था और उसके लिए आप पूछना चाह रहे थे कि कोई भी क्वेश्चंस, तो यस, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप मेहनत करें, मेहनत से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट की नहीं होता है दोस्तों। शॉर्टकट अगर आपको अपनाना है तो वो क्षणिक भर के लिए सफलता होगी, कुछ दिन के बाद वो टिकती नहीं है। तो आपको मेहनत के बल से और आपको कोई भी सफलता हासिल हो सकती है। आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनकी मेहनत काम नहीं कर रही है या सफल नहीं हो पा रहे वो। तो आपको डिवाइन यही कहना चाहता है कि मेहनत करना है आपको, जस्ट से यस और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अपनाएं और यस बोले कि ये मेरा काम हो जाएगा। ये कभी ना सोचे कि मेरा ये काम नहीं हो पाएगा, आप हमेशा ये सोचे कि मेरा ये काम तो बन जाएगा, अरे ये मेरा काम तो हो चुका है। तो आप ये मान करके चले और ये बोले हमेशा कि मेरा ये काम तो हो चुका है, पॉजिटिव में वे में हमेशा यस यस
भी आप किसी काम के आगे लगा करके बोल सकते हैं, तो इससे आपके काम जो है बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं। तो एंजल आपसे यही बोलना चाहती है कि अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहे थे तो उसका जवाब यस है, आपकी अगर कोई विश है तो वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करना है। और अगर कोई मन में कोई दुविधा परिस्थिति बनी हुई है, कोई सवाल को लेकर को, कोई सिचुएशन को लेकर के, किसी डिसीजन को लेकर के, तो आप अपने दिल से पूछिए, आपका दिल सब कुछ जवाब दे सकता है। और आप बहुत जल्दी अपने कार्मिक साइकिल से निकल करके एक अच्छे साइकिल में एंटर करने वाले हैं। तो ये थी मेरी एंजल की गाइडेंस, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो टाइमलेस होती है दोस्तों, तो वीडियो को किसी भी समय देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके।